हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मुंह कम खुलने की समस्या है उसके बारे में कि ये क्यों होती है, नॉर्मल माउथ ओपनिंग कितनी होनी चाहिए, कितना मुंह नॉर्मली आपका खुलना चाहिए, इसके कारण क्या क्या है वो हम देखेंगे, कितना ये डेंजरस है या नहीं है इसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके कितने प्रकार के इलाज होते हैं उनकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए समझते हैं इसको। मुंह कम खुलने के कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसमें एक्यूट ट्रोमा, जॉ लॉक और भी चीज़ें हैं, इनकी हम बात नहीं करेंगे। जो मेन कारण है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो है OSMF, जिसको हम बोलते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। मेडिकल टर्म में इसको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, आसान भाषा में इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जनरली आपका मुँह कितना खुलना चाहिए, कितना मुँह ओपन होगा तो कह सकते हैं कि ये नॉर्मल है। तो मेंस और वुमेंस दोनों को मिला के बात करूं मैं तो 40 mm से 70 mm तक की अगर माउथ ओपनिंग है तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं, नॉर्मल हम बोल सकते हैं। और अच्छे से समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली जो उंगली से चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 40 mm से 70 mm मतलब लगभग 3 उंगलियाँ, लगभग 3 उंगलियाँ अगर नॉर्मली आपके मुँह में प्लेस हो रही हैं तो ये नॉर्मल माउथ ओपनिंग हम इसको काउंट करते हैं। ऐसा इतना अगर है तो ये नॉर्मल माउथ ओपनिंग है, इससे अगर कम हो रहा है तो हो सकता है प्रॉब्लम आपको शुरू हो रही हो। तो ये जनरली कितनी माउथ ओपनिंग होना चाहिए इसके बारे में हमने बात की, और कुछ फ़ोटोज़ आप देख लीजिए जो रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग है, कम माउथ ओपनिंग है, वो कैसे दिखते हैं ये फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप ऐसा ओपन करते हैं तो मुँह खोलने में आपको तकलीफ़ होती है, एक समय के बाद आप खोल नहीं पाते हैं। फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं ऐसा। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है और कैसे आप समझ सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो है उसमें बैंड्स बनने लगते हैं, थिक बैंड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आसान भाषा में समझेंगे तो आपके जो चिक म्यूकोसा है, जो आपके गाल है, ये यहाँ पर आप फिंगर और थंब इससे चेक करेंगे, आप इसको ऐसा होल्ड करिए और ऐसे अगर आप चेक करेंगे तो आपको पट्टियाँ जैसी फील होंगी, बैंड्स जो बोलते हैं वैसे आपको फील होगा। तो अगर ऐसा फील हो रहा है आपको तो हो सकता है प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो रही है। दूसरा, माउथ ओपनिंग के बारे में आपको बता दिया कि आपकी जो पहले माउथ ओपनिंग थी, मुंह जितना खुलता था उससे कम खुलना स्टार्ट हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो रही है। बर्निंग सेंसेशन, हो सकता है आपको मुंह में जलन स्टार्ट हो रही, कुछ खाते हैं तो जलता है, जलन महसूस होती है। तो ये सब कुछ लक्षण है कि आप पहचान सकते हैं आपको प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, OSMF इज़ अ प्री कैंसरस कंडीशन। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, मतलब कैंसर शुरू होने के पहले की कंडीशन है। आसान करके समझे तो कैंसर की शुरुआत भी आप इसको बोल सकते हैं, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनकी माउथ ओपनिंग कम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, खाने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद भी वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते। वो बोलते हैं कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए कि थोड़ा सा मुँह खुल जाए और हम खाना खा सकें। खाना खा पाना ही सॉल्यूशन नहीं है, आप उसको समझे कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है, तो इसका ट्रीटमेंट शुरू कराए। अब समझते हैं कि ये होती क्यों है, इसके कारण क्या क्या है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो मेन कारण है वो है अरेका नट, सुपारी के बारे में आपने सुना होगा। सबसे ज़्यादा ये होता है सुपारी चबाने से, सुपारी को मुंह में रखने की आदत होती है कई लोगों को। सुपारी जो है बहुत सारे फॉर्म्स में खाई जाती है यहाँ पर, जैसे गुटखे के साथ खाते हैं, पान के साथ खाते हैं, नॉर्मली ही खाते हैं, तम्बाकू के साथ खाते हैं, बहुत सारे फॉर्म में सुपारी खाई जाती है। तो मेन कारण इसका सुपारी, गुटखा, पाउच, ये सब होता है। तो मेन कारण इसका सुपारी होता है, और तम्बाकू, एल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट वगैरह अगर कुछ आप लेते हैं तो उसके कारण भी ये हो सकता है, कंटिन्यूस लेने के कारण भी हो सकता है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, जितना जल्दी हो सके इसका इलाज आपको स्टार्ट कराना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको अवेयर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो OSMF है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, इसको ग्रेड्स में चेक किया जाता है, Grade 1, Grade 2, Grade 3 ऐसा इसको चेक किया जाता है कि कितनी इसकी सीवियरिटी है, कितनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आपको, आपके रिलेटिव्स को या आपके जान पहचान में किसी को भी ऐसा फील होता है कि ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो बिल्कुल इग्नोर मत करिए। जितना जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप रिकवर हो पाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं अवेयर कर रहा हूँ कि ये प्री कैंसरस कंडीशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी माउथ ओपनिंग कम हो गई तो आपको कैंसर हो ही गया, नहीं,
ये शुरुआत हो सकती है। तो जितना जल्दी ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप इससे रिकवर हो पाएंगे, बच पाएंगे। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि कितने प्रकार के इसके ट्रीटमेंट होते हैं, कितने प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपको बताएंगे कि जो भी इसका कॉज है, जिसके कारण ये हो रहा है, उसको आप हटा दीजिए। मतलब कि जो भी आप गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी ले लिए, उसको आप बिल्कुल से भी मत लीजिए। तो रिकवरी वहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इसका यही है, आपको वो बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसको आपको छोड़ देना है, सुपारी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद जो है कुछ एक्सरसाइज, अगर अर्ली कंडीशन में है तो आपको जो कॉज है उसको छोड़ने के लिए कहा जाएगा, और कुछ एक्सरसाइज बताई जाएंगी वो आपको करनी होती है। इसके बाद कुछ ऑइंटमेंट्स आपको लगाने के लिए दी जाती है, मसाज करने के लिए आपको वहाँ पे दी जाती है। कुछ इंजेक्शंस इसके आते हैं जो वहीं पर, इंट्रालिजनल इंजेक्शन इनको बोला जाता है, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पर ही इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इससे भी धीरे धीरे करके रिकवरी शुरू हो जाती है। अर्ली स्टेजेस में टाइम लगता है लेकिन शुरू हो जाती है। तो कॉज जो है उसको हटा दिया जाता है। इसके बाद जो इंजेक्शन्स है वो दिए जाते हैं, मसाज करने बोला जाता है, और उसका कुछ एक्सरसाइज आपको बताई जाती है। इसके बाद होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर बहुत ज़्यादा है, बैंड्स बहुत ज़्यादा आपको बन रहे हैं, तो सर्जिकली उन बैंड्स को निकाल दिया जाता है। आपको एले देकर, सुन कर कर, एनेस्थाइज करने के बाद उन बैंड्स को कट कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, और फिर मेडिकेशन आपकी चलती है। तो इससे माउथ ओपनिंग आपकी बढ़ जाती है। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बस मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो बिल्कुल इसको लाइटली ना लें। सिर्फ इसको एक ये समस्या ना समझे कि मुंह कम खुल रहा है तो खा नहीं पा रहे हैं, नहीं, ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आपको कर सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसका इलाज स्टार्ट कराएं, जितनी अर्ली स्टेज में जाएंगे इलाज कराने के लिए उतनी जल्दी आप रिकवर हो पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि और किन बीमारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता है, तो उनके ऊपर भी जल्दी वीडियोस लेके आएंगे। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। साथ ही साथ अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में इजी डेंटिस्ट्री के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।